संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड, संजू का ढाबा चैनल में मैं शिफाली आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल की पनीर भुर्जी बनाना सिखाती हूं। तो चलिए बनाते हैं पनीर भुर्जी। भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिया 100 ग्राम पनीर जिसे क्रश कर लिया है, 2 मीडियम साइज प्याज, 1 बड़ा साइज टमाटर, थोड़ा सा शिमला मिर्च। मसालों में हमने लिया है नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, मिर्च स्वाद अनुसार, छोटा चम्मच हल्दी। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने लिया एक पैन, उसको हमने गैस पे रखा और गैस ऑन की, पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। जैसे ही प्याज का रंग चेंज होने लगता है तभी हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसको भी प्याज के साथ ही हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम प्याज का ब्राउन होने का वेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और नमक। अब एक मिनट इनको अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब टमाटर भुनने तक हम 2 मिनट के लिए इसे हिलाते हुए पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। गैस हम स्लो कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पनीर के साथ भी अच्छे से हमारा भुन गया है, घी भी इसने छोड़ दिया है। तो अब हमारा पनीर भुर्जी बिल्कुल बनके रेडी है। तो चलिए आइए इसको सर्व करते हैं। हमारी ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनके तैयार है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, पराठे के साथ, फुलके के साथ। तो चलिए खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये रेसिपी बन गई। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे संजूदा ढाबा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।